बसमिल रिमी सलामैक्म डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अदर बुक ऑफ योर सिलेबस एमीनेंट वक्टोरियन दैट वॉज रिटन बाई लैटन स्ट्रैची और बेसिकली ये किताब जो है बायोग्राफिकल स्केचिस के ऊपर है कि इसमें चार पर्सनैलिटीज़ हैं विक्टोरियन इरा की जिसके ऊपर जिनकी लाइफ के ऊपर बायोग्राफीज़ लिखी हैंटन स्ट्रैची ने और इन चार में हैं डॉक्टर ऑर्नल्ड कार्डिनल मैनिंग फ्लोरेंस नाइटेंगल और जनरल गॉर्डन और आपके सिलेबस में सिर्फ दो करेक्टर्स हैं दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी बायोग्राफीज़ आपके सिलेबस में शामिल हैं वो है फ्लोरेंस नाइटेंगल और जनरल गॉर्डन, तो हम इनको नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली लेटन स्ट्रैची की बायोग्राफी पे है उसके बायोग्राफिकल स्केच पे है उसकी लाइफ के बारे में कुछ इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसके वर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं लेटन स्ट्रेची की बायोग्राफी उसकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं ही वॉज बॉर्न ऑन फर्स्ट मार्च 1880 एटी एट स्टोवे हाउस कैल्फम कॉमन लंडन ही वॉज द फिफ्थ सन एंड अलेवेंथ चाइल्ड ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रैची An officer in the Colonial British Armed Forces at the rank of Lieutenant General. And he was also the uh, Earl of Leton. Uh, the Earl of Leton was his godfather, and they were there were thirteen children in number. 10 of whom survived at adulthood, including his sister Dorothy Stretchy. Basically, he had 13 sisters, but 10 survived adulthood. And at the age of 4, his family moved from Stoway to 69 Lancaster Gate. And this would be his home until Sir Richard Stretchy retired 20 years later. Lady Stretchy was an एंथूजस्ट फॉर लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर एंड मेकिंग हर चिल्ड्रन टू परफॉर्म देयर ओन प्लेज एंड राइट वर्स फ्राम अर्ली एजिस फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल एज के लेडी स्ट्रैची थी जो थी उसको लैंग्वेज और लिटरेचर में इंटरेस्ट था और वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करती थी कि वो भी प्ले फॉर्म करें और परफॉर्म करें और कुछ वर्स लिखें पोइट्री करें शायरी करें क्लासिकल एजिस में से ठीक है तो देन उसकी एजुकेशन आती है कि लेडी स्ट्रैची थाट दैट था लेटन हैड अ पोटेंशियल टू तो बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट ठीक है उसके जहन में ये था कि जो लेटन स्ट्रैची है ये एक आर्टिस्ट बन सकता है सो शी डिसाइडेड टू प्रोवाइड हिम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन एंड बाय 1887 एटी सेवन He had started to study French, a culture he admired during his entire life. 1887 French culture ko uh, study or puri life was for French culture ko admire kartara. And he started his studies at Parkstone Dorset School and exceeded other students in acting skill, particularly portraying female parts. क्योंकि घर की उसकी ऐसी ट्रेनिंग थी तो इस वजह से वहाँ पे स्कूल में भी वो दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल गया आर्ट्स में और स्पेशली एक्टिंग में और वो ही आर स्पेशलाइज इन पोट्रेन फीमेल पार्ट्स हिज मदर सेंट हिम टू एबर्ट शॉय स्कूल फॉर मोस्ट सीरियस एजुकेशन इन 1893 and he was transferred to Leamington College due to his fragile physique. At Leamington, his health seemed to improve during three years he spent there. In 1897, Lady Strachey decided that Lytton is ready to join university. Okay. First, he joined the Ebersham School. Okay. That, Leamington College. ठीक है लेमेंगटन कॉलेज में उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी तो लेडी स्टैची ने ये डिसाइड किया कि इन 1897 के वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के काबिल हो गया है शी थॉट ही वॉज टू यंग फॉर ऑक्सफोर्ड सो ही शुड फर्स्ट अटेंड स्मॉलर इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ऑक्सफोर्ड एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो उसकी माँ का ये ख्याल था कि इस बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले उसको कोई ना कोई छोटे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए देन देयर सर वॉल्टर रीले अव हिज़ फेवरेट लैक्चर बिकम मोस्ट इन्फ्लुन्शल फिगर इन हिज़ लाइफ सर वॉल्टर रीले के बारे में भी हमने पढ़ा है पहले तो वो उसका फेवरेट आप कह रहे हैं लेक्चरर था और उसके जितने भी वर्क्स हैं उसके ऊपर सर वॉल्टर रिले का असर हमको नज़र आता है In 1899, he took Christchurch Scholarship examination to get into Oxford. Because he joined Liverpool and to join Oxford, he participated in the Christchurch Scholarship examination. But he was turned down due to his poor academic achievements and also his shyness and nervousness. But he didn't get Then he joined Cambridge. थीके he was admitted at trinity college cambridge on 30th september 1899 and won chancellor's medal for english verse in 1902 to usko apni verse pay writing spjupella award miller that was chancellor's medal in cambridge university that was awarded in 1902 and in 1903 he got ba degree second class in history those history kendra graduation kiya. But remained in Cambridge until October nineteen zero five to work on a thesis in a hope of getting fellowship there. Cambridge, thesis, fellowship offer. And the Cambridge period was a happy and productive one. And with the other students he found the Midnight Society. उसने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखी जो कि मिडनाइट सोसाइटी थी उन्होंने इसी सोसाइटी ने आगे चलकर ब्लूम्सबरी ग्रुप की बुनियाद रखी और ब्लूम्सबरी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में शार्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ठीक है और इसकी एक अहमियत है लिटरेचर में दिस सोसाइटी फाउंड ब्लूम्सबरी ग्रुप ही ऑल्सो बिलोंग टू कन्वर्सन सोसाइटी In 1903, he applied for a position in Education Department of Civil Service. Then there is his literary career. After Cambridge, family life started irritating him and he started traveling. And he started supporting himself by writing reviews and critical articles for the spectator and other prodigals. मुख्तलि रिसालों वगैरह के लिए वो आर्टिकल्स लिखता था ठीक है क्रिटिकल रिव्यूज़ लिखता था ताकि वो उसको जो कोई इनकम हो तो वो ख़ुद को सपोर्ट कर सके एज़ ही वॉज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच कल्चर स्टार्ट में हमने अभी ये पढ़ा है कि वो फ्रेंच कल्चर को एडमायर करता था ठीक है दैट वाई ही डिसाइडेड टू ग्रो बियर तो उसने उसके अपने एक लेटर में ये लिखा है द चीफ न्यूज वॉल इज दैट आई हैव ग्रोन अ बियड इट इज़ अ रेड ब्राउन ऑफ मोस्ट अप्रूव्ड टेंट एंड मेक्स मी लुक लाइक अ फ्रेंच डिसेंट पोएट क्योंकि वो फ्रेंच कल्चर को एडमायर करता था तो वो चाहता था कि जो फ्रेंच पोइट्स हैं या फ्रेंच पर्सन हैं वो उनकी तरह दिखे तो इसने बिल्कुल उनकी तरह ही दाढ़ी रख ली देन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स इन नाइनटीन टवेल्थ ज मदर एंड फ्रेंड प्रोवाइडेड हिम हंड्रेड पाउंड उसकी जो पहली बुक लैंडमार्क छपी तो सारी फैमिली ने उसको हंड्रेड पाउंड दिए टूगेदर विद इनकम फ्राम एडम्बरा रिव्यू एंड प्रोडिकल्स तो उसको जो पैसे इकट्ठे हुए ही बॉट अटेज द लैकेट नियर द वलेज ऑफ लॉक्रेच नियर मॉलब्रो तो उसने एक कॉटेज खरीद लिया उस कॉटेज का नाम था द लेकेट Here he wrote first three parts of eminent Victorians. ठीक है अभी यही eminent Victorians आपके syllabus में शामिल है ठीक है उसमें चार persons की biography है मतलब four parts हैं तो उसके जो पहले तीन parts हैं उसने यहाँ पर ही लिखे Here stretches theory of biography fully developed and matured. He was influenced by Dostoevsky, a Russian novelist, and Freud influence can be seen on his later work. Especially in Elizabeth and Essex. Elizabeth and Essex, a tragical history. This is book. Russian novelist influence. Then he, uh, he was in London. So, London life in In 1916, he was back in London and lived with his mother at 6 Belsize Park Gardens, Hampstead. ठीक है तो उसने अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया 1916 में लंदन में एंड आफ्टर दी सक्सेस ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस पब्लिश्ड ऑन मे नाइन्थ में 1918 ही नीडेड नो हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड ठीक है क्योंकि जब 1918 सौ में नौ उन्नीस को उसकी बुक एमिनेंट विक्टोरियंस पब्लिश हुई तो उससे उसको इतनी इनकम हुई वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि उसको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं रही एंड द पब्लिकेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन नाइनटीन ट्वेंटी वन मेड इट पॉसिबल फॉर हेम टू बाई हेम्पस्प्रे हाउस नियर मालब्रो तो फिर नाइनटीन ट्वेंटी वन में उसकी एक नई बुक पब्लिश होती है क्वीन विक्टोरिया ठीक है उससे उसको इतनी इनकम होती है कि वो एक नया घर खरीद लेता है हेम्पस्प्रे हाउस नियर मालब्रो और एंड तक वो इसी घर में रहता है अपनी मौत तक ही मूव टू हेम्प स्प्रे हाउस in july 1924 and it was his home for the rest of his life then bloomsbury group he most important groups in the literary history of english literature at cambridge he formed a fellowship with toby stephen clive bell and with two sister vanessa and virginia stephen so literature may be both important uh, राइटर है वजीनिया वुल्फ के नाम से है क्योंकि उसके हस्बैंड का नाम वुल्फ था जब उसने शादी की ठीक है तो ये मेन राइटर्स थे दे टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप नेम्ड ब्लूम्स परी ग्रुप तो उन्होंने एक लिटरेरी ग्रुप की बुनियाद रखी जिसको ब्लूम्स परी ग्रुप कहते हैं फिर उसके वर्कस के बारे में है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ही अप्लाइड इन मिल्ट्री सर्विस बट वॉज ग्रांटेड एग्जाम्पन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स उसने मिलिट्री में भी अप्लाई किया लेकिन सेहत अच्छी ना होने की वजह से उसको मिलिट्री में नहीं लिया गया ही स्पेंट हिज टाइम विद लाइक माइंडेड पीपल सच एज लेडी ऑटोलाइन मॉरल एंड ब्लूज क्योंकि वो मिलिट्री में नहीं जा सका तो इस वजह से उसने लाइक माइंडेड ग्रुप जो पीपल थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया फिर उसके कुछ ग्रेट वर्क्स हैं सक्सेस वॉज इस फर्स्ट ग्रेट सक्सेस वॉज एमिनेंट विक्टोरियंस दैट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन एटीन तो यही आपके सिलेबस की बुक है जो हमने पढ़नी है इसमें चार पर्सनस की बायोग्राफीज़ हैं फोर पार्ट्स हैं इस बुक के और दो पार्ट्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं इसमें डॉक्टर आर्नल्ड है कार्निन कार्डिनल मैनिंग है फ्लोरेंस नाइटेंगल है और जनरल गॉर्डन है और हमारे सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसमें फ्लोरेंस नाइटेंगल और जनरल गॉर्डन को हम पढ़ेंगे देन सेकेंड उसका वर्क है क्वीन विक्टोरिया दैट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन And that book was awarded James Tate Black Memorial Prize to him. And then the Landmarks that was published in 1912, Books and Characters that was published in 1922, Elizabeth and Essex, A Tragic History that was published in 1928, and Portraits in Miniature and Other Essays that was published in 1931. So these books were his works. तो ये आपको कुछ ना कुछ याद होना चाहिए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछे जाए तो आप चार पांच लिख सकें फिर उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जो आप हर क्वेश्चन के स्टार्ट में उसको ऐड कर सकते हैं कि अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप एंड अनदर एंड ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस कि ब्लूम्सबरी ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर था और एमिनेंट विक्टोरियंस का ऑथर है ठीक है He is best known for establishing a new form of biography in which psychological insight and sympathy are combined with irreverence and wit ठीक है कि उसने एक बायोग्राफी की एक नई काइंड जो है वो लिटरेचर में मुतारफ कराई उसमें सेम्पथी और साइकोलॉजिकल इन को इ रेवरेंस और वेट के साथ उसने कंबाइन किया है रेवरेंस होता है किसकी इज्जत करना और irreverence है बेजती करना बेसिकली ही वॉज अ रियलिस्ट तो उसने बिल्कुल रियल चीज़ें लिखी हैं तो इस वजह से उसकी बायोग्राफीज़ को एयरवरेंस कंसिडर किया जाता है हिज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया वॉन जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइस तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप हर क्वेश्चन पे इसको ऐड कर सकते हैं देन उसकी डेथ है एंड ऑफ हिज लाइफ कि स्ट्रेची डाइड ऑफ स्टमक कैंसर जनवरी ट्वेंटी वन नाइनटीन थर्टी टू एट द एज ऑफ फिफ्टी वन तो यह भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता एट इज कंट्री हाउस हैम्प स्प्रे हाउस कि हेम्प स्प्रे हाउस आफ्टर दब्लिकेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो उसने घर ख़रीदा था तो अपनी जिंदगी के आखिर तक उसी घर में रहा और वहीं पर उसकी डेथ हुई एंड इट्स इट रिपोर्टेड दैट इज फाइनल वर्ड वर्ड इफ दिस इज डाइंग Then आई डोंट थिंक मच of इट कि मौत के बारे में उसका क्या ख्याल था कि उसका ये कहा जाता है ये रिपोर्ट किया जाता है कि उसके जो लास्ट वर्ड थे कि अगर यही मरना है तो मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता मतलब कि उसको मौत से कोई इतना डर नहीं था और इतना उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई जिसकी वजह से उसने ये वर्ड्स कहे कि इफ़ दिस इज़ डाइंग दैन आई डोंट थिंक मच अफ इट तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बायोग्राफी की थोड़ी समझ आ गई होगी आप इसको पढ़ें और याद करें ताकि कुछ इवेंट्स आप इंट्रोडक्शन में हर क्वेश्चन में ऐड कर सकें और कोई एक दो शॉर्ट क्वेश्चन इसकी बायोग्राफी में से आ, आ जाएं तो आप उनको सॉल्व कर सकें तो आप इसको याद करें इन केस फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें